भी समझ में नहीं आता था। और फिर वो बच्चे अपने अपने क्लास के टॉपर्स बनते थे। और एक टाइम पर ये समझ में आया कि वो जो टॉपर बच्चा है, वो जो 100 नंबर ले रहा है 100 में से, उसे इतनी अकल नहीं है कि उसके घर में कोई आ जाए तो उसके साथ बात कैसे करनी है, तो ऐसी पढ़ाई को आग लगा देनी चाहिए। अगर कोई 100 में से 98 नंबर ले रहा है और अचानक से घर में कोई मुसीबत आ जाए, अचानक से उसके परिवार के ऊपर कोई हमला हो जाए, तो उसको लड़ना कैसे है, उसको बिहेव कैसे करना है, उसको यह नहीं मालूम है। तो उन नंबरों को क्या करोगे? वो जो 100 नंबरों वाला सर्टिफिकेट है उसको आगे अड़ाओगे मुसीबत के? जब जीवन में कोई मुसीबत आ जाएगी, निराशा आ जाएगी, कोई बुरा समय आएगा, कोई कठिनाई आएगी, तो ये नंबर आगे आएंगे? वहां आपकी जीवन शैली काम आएगी। तब समझ में आया कि नंबर जीवन का मकसद कभी नहीं हो सकते, पैसा जीवन का मकसद कभी नहीं हो सकता, नौकरी जीवन का मकसद नहीं हो सकता। जीवन का मकसद होता है खुशी, और खुशी मिलती है केवल एक चीज से, और वो है कि आप अपने जीवन में वो काम करो जिसको करते हुए आप सुबह से लेकर शाम तक समय सीमा ही भूल जाओ, जिसको करते वक्त आप यही ध्यान ना रहे कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, जिसको करते करते आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सको। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हो तो आप खुश रह सकते हो, वरना जीवन में खुशी नाम की चीज, हैप्पीनेस नाम की चीज भूल जाइए। परमात्मा ने हर बच्चे को यूनिक बनाया है, अलग बनाया है। वो बच्चा, सब बच्चे एक जैसे नहीं सोच सकते। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, आप मेरी तरह नहीं सोच सकते। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है उसको सुनना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर दांत रिपाड़ दो। किसी साथी की बात जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लेवल की हो, जरूरी नहीं है कि वो बात तुम्हारी जैसी करे, वो तुमसे अलग सोच सकता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उसकी हंसी उड़ाओगे, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, नहीं। तुम अलग हो, और तुमसे अलग सोच अगर कोई रहा है तो वो एकदम नेचुरल है। उसको बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खा मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के 99 आ रहे हैं, और कोई बच्चा 100 में से 33 ले रहा है, और कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो जो फेल हो रहा है उसका ये मतलब कभी ना समझा जाए कि वो फेलियर है जीवन में। नहीं, वो केवल वहां फेलियर है जहां आप थोड़े ऊपर हो। तो एक जगह पर तुम ऊपर हो सकते हो, किसी दूसरी जगह पर वो दूसरा ऊपर होगा, तब तुम नीचे होगे। तुम्हें समझना पड़ेगा ये बात। किसी को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, कोई चुप रहना चाहता है। किसी को दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, कोई यहां बैठ करके भी टिक कर नहीं बैठ सकता, वो आगे वाले को परेशान करता रहेगा या खुद ही अपने पैर हाथ हिलाता रहेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम इसका कोई नाजायज फायदा उठाओ, ये नेचुरल है। इसका ये मतलब होना चाहिए कि अगर किसी को बात करना नहीं पसंद है तो उससे उसको शांत रहने दिया जाए, जरूरी नहीं होता है। हम लोगों का मकसद जीवन का ये नहीं है कि एक दूसरे से आगे भाग लो, कि तेरे इतने नंबर मेरे इतने नंबर और इसलिए अगली बार मुझे को तेरे से ज्यादा नंबर लेने हैं। हम एक दूसरे से कंपटीशन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा मकसद एक दूसरे से आगे भागने का नहीं है, हमारा मकसद कोएग्जिस्टेंस का है। कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व। सहअस्तित्व का मतलब है कि इस धरती पर पैदा होने वाले हर जीव जंतु, हर कीड़े मकोड़े, हर पशु पक्षी, हर पौधे को जीने का उतना ही हक है जितना तुमको, तुमको, तुमको या मुझको है, या किसी को भी है, बराबर हक है। और तुम सबको साथ रहना, केवल व्यक्ति, केवल आदमी जिंदा रहेगा, पेड़ पौधों को या पशु पक्षियों को इग्नोर कर देंगे तो भी नहीं जी पाओगे। छोटा सा एक जीव होता है मधुमक्खी,
अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए और मधुमक्खी अगर इस धरती से खत्म हो जाए तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई भी एक प्रजाति खत्म हो जाए तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम। इसीलिए कभी कोई प्रजाति ज्यादा होती रहती है, कभी कोई ज्यादा होती रहती है। पूरी तरह से एक्सटिंक्शन लेवल पर अगर कोई चीज आ जाएगी तो धरती समाप्ति की तरफ चल पड़ेगी। और आज का जो समय है उस समय में इस नई पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी एक है कि हम एक्सटिंक्शन लेवल पर जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने खेतों के अंदर जहर डालना शुरू कर दिया है, जिसको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया और डीएपी बोलते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर लाखों सूक्ष्म जीव, करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो मर रहे हैं। उनके मरने की वजह से उसका जो काम था मिट्टी के अंदर वो नहीं हो रहा। उन जीवों का काम था उस मिट्टी को भुरभुरी रखना, उसको नरम रखना, और उसमें जब हम यूरिया डीएपी डालेंगे तो वो मिट्टी के ऊपर एक पॉलिथीन जैसी परत बन जाएगी, जिसको लेमिनेशन के जैसी, जिसकी वजह से वो धरती पानी नहीं पिएगी। अगर धरती में पानी रिचार्ज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता जाएगा, और जब पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। सोचो, खेत में ऐसा जीव जो दिखाई भी नहीं देता, उसके ना होने से हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आज पूरे गांव के अंदर एक भी हैंडपंप हाथ वाला नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। अगर है इस गांव के अंदर, मुणक के अंदर, तो बहुत खुशी की बात है कि ये गांव लक्की गांव है कि यहां जमीन का लेवल इतना है। क्योंकि नहर जाती है आपके पास से तो संभव है कि यहां का पानी नीचे थोड़ा हो, लेकिन पूंजीपति मिल करके सरकार में बैठे नेताओं के साथ ऐसा गेम खेलते हैं कि नहरों को भी नीचे से पक्का कर देते हैं, जिससे जमीन में पानी नहीं जाता। जमीन में पानी नहीं जाएगा तो पानी का लेवल नीचे जाएगा, और नीचे जाने वाला पानी चला गया तो आपके पास पानी नहीं बचेगा। मान लो पूंजीपतियों के साथ मिलकर एक ऐसा कानून बन जाए जिसमें नदी के पानी के ऊपर आपका अधिकार ना रहे और बिजली ना आए, तो गांव में पानी कहां से आएगा? अगर बिजली ना आए तो टैप वाटर, अगर आपके घर में जो टूटी का पानी आता है वो ना आए तो पानी कहां से आए? और पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। हैं? क्या कह रहे हो? समझे? ये मैंने एक प्रजाति की बताई है जो खेत में रहते हैं। पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश की है? नहीं। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके अस्तित्व का किस किस चीज के ऊपर असर पड़ता है और किस किस चीज का आपके जीवन पर असर पड़ता है, तो आप अपने जीवन में कैसे तय करोगे कि आपको बड़ा होकर समाज के कौन से अंग में अपनी भूमिका निभानी है? वो भूमिका कि जब आप समय को भूल जाओ, जब आप अपने काम में आनंदित हो जाओ। जीवन का जो मकसद है वो कोई एक मंजिल पा लेना नहीं है। जीवन का असली आनंद हर रोज खुशी से एक दूसरे की मदद करते हुए सह अस्तित्व की धारणा को धारण करके सबके भले के लिए कार्य करते रहने में है। और इसके लिए हमको एक दूसरे को, खुद को तैयार करना होगा कि हम बड़े होकर के जीवन में अपना क्या रोल अदा करेंगे कि समाज के लिए उपयोगी अंग बन सके, ना कि उस भ्रष्टाचारी कर्मचारी की तरह जाकर बैठे जो नासूर बनकर इस पूरे समाज को खोखला कर रहा है। या गलती से आपने जीवन में पैसा कमाने को टारगेट मान लिया तो कहीं कोई नशे का कारोबार ना करने लग जाएं, कहीं हम कोई गलत काम ना करने लग जाएं, कहीं गलती से नौकरी को टारगेट मान लिया तो नौकरी की गुलामी ना करने लग जाएं।
क्योंकि लालच और डर ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो आपके जीवन को नरक बना देंगे। और लालच और डर से वशीभूत होकर जो भी करोगे तुम्हारे जीवन को नरक ही बनाएगा वो चीज। इसीलिए यदि पढ़ना है, यदि यहां पढ़ने आते हो तो पढ़ो, केवल पढ़ना काम है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मत आओ, कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिसको करने में तुमको आनंद नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि सबको पढ़ने में आनंद आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ फिर तुम्हारे माँ बाप की ये ड्यूटी बनती है, तुम्हारे टीचर्स की ये ड्यूटी बनती है, तुम्हारे समाज की ये ड्यूटी बनती है, हमारी ये ड्यूटी बनती है, तुमसे बड़ी पीढ़ी की ये ड्यूटी बनती है कि हम वो रास्ते तुम लोगों को दें जिसकी वजह से तुम वो काम कर सको जिसमें तुम खुश रहो। अभी तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है, कि जीवन जीने के लिए कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर नौकरी करने के लिए दौड़ोगे ना बच्चों, अगर कंपटीशन के लिए दौड़ोगे, तो जितने बच्चे 12वीं पास करते हैं ना, अगर सिर्फ एडमिशन की ही बात करें तो 15% का भी एडमिशन नहीं होता है ग्रेजुएशन में, सीट ही नहीं है भाई। CBSE, हरियाणा बोर्ड और किसी एक बोर्ड को भी ले ले तो 25 लाख बच्चा अपीयर होता है 12वीं में हर साल, और टोटल जो सीटें हैं ग्रेजुएशन की वो 4 लाख हैं, जिसमें MBBS भी आ गया, जिसमें आपका इंजीनियरिंग भी आ गया, साइंस भी आ गई, कॉमर्स भी आ गई, सब कॉलेजेस आ गए। तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम अपनी इच्छा के कॉलेज में, अपनी इच्छा की स्ट्रीम में नहीं जा पाओगे, और कोई नहीं जा पाया। कमाल की बात क्या है, कोई भी नहीं जा पाया, जितने लोग यहां बैठे ना तुमसे बड़े, हम भी नहीं जा पाए अपनी मर्जी की जगह, क्योंकि हमसे पहले वाली पीढ़ी ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं था करना क्या है, उनको भी नहीं मालूम था। अब हमारे पास एक रास्ता आ गया। मैं तुम्हें बताऊं, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि इस बच्चे का दिमाग कैसा है। परमात्मा ने यह खिलाड़ी बनने के लिए पैदा किया है या साइंटिस्ट बनने के लिए किया, इसको पढ़ने में मजा आएगा या पढ़ाने में आएगा, यह इतिहासकार बढ़िया हो सकता है या भूगोल अच्छी पढ़ सकता है, यह फिजिक्स अच्छा पढ़ेगा या गणित अच्छा पढ़ेगा। अगर हमको पता चल जाए तो आप अपने काम को जीवन में वही काम करो जिसके लिए आप बने हो, परमात्मा ने जिसके लिए आपको बनाया है, और आनंद ही आनंद। और फिर जो काम आप करोगे और जब आप पूरा परफेक्शन के साथ करोगे, आपसे बढ़िया ऑप्शन ही नहीं होगा, तो मजबूरी बन जाओगे आप उस समाज की। अगर आपसे बढ़िया टीचर ना हो तो आपके पास अपने आप लाइन नहीं लगेगी क्या? क्यों? सारे स्कूल आपको मांगेंगे, सारे बच्चे आपके से पढ़ना चाहेंगे। आप कोई भी आप बढ़िया मिस्त्री बनने लायक हो मान लो, तो आप अच्छे मिस्त्री हो जाओगे तो सभी तुमको तुम्हारे पास अपनी चीजें ठीक करवाने आएंगे, क्योंकि आप घर में टूटी खराब हो जाए या लाइट खराब हो जाए तो किसी को फोन करके बोलते हैं अगर तुम्हारे घर वाले, तो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कोई मिस्त्री का नंबर दो, हमेशा ये बात बोलते हैं किसी बढ़िया से मिस्त्री का नंबर दो, किसी बढ़िया से टीचर का नंबर दो, किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर का बताओ, किसी अच्छे से प्लम्बर का नंबर दो, किसी अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, नहीं तो अच्छा कौन होगा? जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। ज्यादा प्रैक्टिस कौन करेगा? जिसको ज्यादा उसको प्रैक्टिस करने में आनंद आएगा। आनंद किसको आएगा? जो उस काम के लिए बना होगा। नहीं समझे? आप दौड़ने के लिए बने हो और आपको बैठकर करने का काम दे दिया जाए तो पूरी जिंदगी नरक के जैसी बीतेगी। नहीं, अगर आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा है तो आपको वो काम देना जरूरी है जिसमें शरीर इस्तेमाल होता हो, अदरवाइज करप्शन करोगे, झूठ बोलोगे, काम चोरी करोगे और भ्रष्टाचार करने के बाद देशद्रोह करोगे, अपराध करोगे। अगर अपराध खत्म करना है, अगर नशा खत्म करना है, तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह का बनाना पड़ेगा जो बच्चे के अंदर की चीजों को बेस्ट निकाले और फिर निखारे। नहीं लगता? सोचो,
अगर तुमको तुम्हारा मन पसंद कार्य मिल जाए तो कैसा जिंदगी हो जाएगी? हो जाएगी ना? आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जब वो पेपर में लिख रहा होता है और किसी प्रश्न को ढूंढ रहा होता है या प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा होता है तो उसको ध्यान आ जाता है कि ये वाली लाइन उस पेज पर नीचे कोने में या ऊपर कोने में लिखी हुई थी, मेरे को ध्यान दिख रहा है, एकदम दिखाई देता है, पूरा वो पेज दिखाई देता है। कौन कौन वो बच्चा है? अब हाथ नीचे करो। अब ये जो बच्चे है ना, ये पढ़ने के लिए नहीं बने, ये रट्टेबाज बच्चे हैं। इनके नंबर खूब आएंगे। इनका क्या रहता है, बस जो जो 10 लाइनें है ना, बस तीसरे नंबर आप बता दे एक बार, बाकी सारे याद है। होता ना ऐसा? जिन्होंने हाथ खड़े किए थे समझ लो, अगर आप सच में वैसे हो तो जिन्होंने हाथ, जो इस तरह का बच्चा है वो समझ लो उसको सब दिखाई दे रहा है, तो वो आर्टिस्ट है बहुत अच्छा, वो डिजाइनर है बहुत अच्छा, उनको फैशन बढ़िया लगता है, उनको कलर रंग अच्छे लगते हैं, तो उनको पढ़ने में लगा दोगे नंबर तो ले लेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, किस किस का ये डायलॉग ही होता है या मन में होता है या घर वालों को या दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि पढ़ाई जितनी मर्जी करवा लो पेपर नहीं होना चाहिए। कौन कौन है आता है ना दिमाग में, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनका ये डायलॉग होता है, क्योंकि पेपरों से दिक्कत नहीं है, नंबरों से दिक्कत नहीं है, उनका ये दिमाग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे ही कोई ऐसी बात आएगी हमारे दिमाग में ये थॉट आए। अब सोचो आपका अगर रियल चीज बाहर निकल आए तो कितना अच्छा हो, नहीं? और ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, नहीं? अगर तुम्हारे माँ बाप को पता होगा कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है तो सारे माँ बाप मिलकर तुम्हारे लिए वो रास्ता तय कर सकते हैं ना कि जीवन में इस तरह का रास्ता अपनाना है। क्यों, कैसा रहे अगर ऐसा हो जाए तो? किस किस को लगता है कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया होगा, हाथ खड़ा करके बताओ। पढ़ते ऐसे ही रट्टे मारते रहना चाहते हो या वो कार्य करना चाहते हो जिसमें तुम्हें आनंद आए? जिसमें आनंद आए जो ऐसा कार्य करना चाहता है, हाथ खड़ा करके बताओ। एकाध तो इन्हें सोचा करूं, उन्हें कर लिया नहीं कर लिया, मैं बिठाऊं चल इतना ठा ले, जन को नहीं खाना था तो नीचे कर लूंगा, नहीं तो बिठा लूंगा नीचे करो। आप क्या सोचते हो, देखो ये चोरों का काम होता है छुप छुप कर किसी को कोई बात कहना। चोर हो क्या तुम लोग, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो ना। चोरी किस चीज की है, किसी के पीछे सिर छुपा करके क्यों कुछ भी कहते हो, किसी के ऊपर हंसने का क्या लॉजिक होता है, कोई जरूरत है क्या? अरे यहां या मैं कौन, मैं कोई खा थोड़ी जाऊंगा, जो कहना चाहते हो खुलकर बोल सकते हो। अब यहां हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको ऐसा चोर बना दिया कि हम अपने मन की बात भी खुलकर नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर तो कलंक लगना चाहिए, लानत पड़नी चाहिए। सिस्टम की गड़बड़ी है, तुम्हारी नहीं है, मैं तुमको कसूरवार नहीं ठहरा रहा। तुमको ऐसा बना दिया कि डरे हुए हो, पता नहीं कहने से क्या हो जाएगा, कोई आग थोड़ी लग जाएगी। छुप कर कहने की जरूरत नहीं होती है कुछ भी, अगर आप अंदर से सच्चे हो तो दहाड़ कर बोला करो जो बोलना है, जिसके सामने भी कोई कुछ नहीं कहेगा और ना कोई कहेगा तो पता चल जाएगा कि किस बात पर किसने क्या कहा, कौन कैसे सोचता है, कौन किस दिशा में सोच रहा है, मालूम पड़ जाएगा इससे। तो एक आइडिया देते हैं आपको, और उपजा फिर खा लिए, एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए। ओ चाचा समझा